नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी भिलाई की, जहां भीषण गर्मी, आग उगलता सूरज, मगर सेवा सरोकार का सराहनीय कार्य आया सामने। साथ ही बात होगी दिल्ली की, जहां दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला, और बताएंगे कि कैसे शाहजहांपुर में खनन माफियाओं के हैं हौसले बुलंद। ऐसी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ में 2024 का ग्रीष्मकाल अब तक का सबसे भीषण तपिश वर्ष कहा जा सकता है। सूरज मानो आग उगल रहा है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन व अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। तो वहीं भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप में व्यापारी दुर्ग भिलाई में रोजाना हजारों राहगीरों को शीतल पेयजल, मट्ठा, जलजीरा पिलाकर तृप्त कर रहे हैं। व्यापारियों के सराहनीय सरोकार को देखते हुए आईजी ने उन्हें एयर कूलर देकर और प्रोत्साहित किया है। सेवादारों की टीम ने कहा कि विगत 15 से 17 सालों से लोगों को वह निरंतर भीषण गर्मी में सेवाएं दे रहे हैं। के सीजन में इतनी चिलचिलाती और भीषण धूप में आप जो लोगों को दे रहे हैं सेवा, बताइए। सबको, भिलाई वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भिलाई के जितने भी व्यापारी बंधु लोग हैं, उन्होंने देखा कि भिलाई में काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी के सीज़न में 46 डिग्री 45 हो जा रहा है। लोग आना जाने में बहुत परेशानियां हो रही है लोगों को। तो बहुत सारे हम लोग व्यापारी लोग मिलकर करीब 15-17 सालों से अनवरत हर गर्मी में इस प्याऊ को चालू किए हैं, और सभी भाई लोग अपना सहयोग भरपूर देते हैं। अपनी दुकानदारी छोड़कर दोपहर में आकर कभी छाछ पिलाते हैं, कभी मट्ठा पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, और कम से कम जलजीरा पिलाते हैं। और बहुत सारे लोग हमें मदद भी करते हैं, हमारे तरफ से पिलाओ, हमारे तरफ से पिलाओ। भिलाई के लोगों को पानी बहुत ही ठंडा ठंडा पानी पिला रहे हैं, मटके का पानी जैसे आप देख रहे हैं, और काफ़ी लोग पीते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 3 टैंकर पानी डेली पिलाते हैं हम लोग। मेरा नाम अरुण जेना है, मैं जेना फ्लावर का मालिक हूँ। हमारा फूलों का काम है, श्री साईं बाबा मंदिर के सामने मेरी फूलों की दुकान है। भिलाई से सीनू संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत, सीवर युक्त गंदे पानी की आपूर्ति और टैंकर माफियाओं को मिली खुली छूट के खिलाफ बीजेपी ने आज दिल्ली सचिवालय के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साथ ही लोकसभा नई दिल्ली उम्मीदवार बांसुरी स्वराज, योगेंद्र चांदोलिया, पूर्व महापौर जयप्रकाश जजेपी और बड़े नेता मौजूद रहे, और दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए नजर आए। दिल्ली से सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। आकाशी प्रखंड कार्यक्रम के तहत पिरामल फाउंडेशन के द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता विषय पर किशोरियों के साथ आज एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभा की शुरुआत पिरामल फाउंडेशन की सेवा गीत के साथ की गई। इसके बाद महावारी पर छात्राओं को एनिमेशन वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई। साथ ही पहली बार मासिक धर्म की सामना करने वाली बालिकाओं को भावनात्मक एवं शारीरिक रूप से सहयोग देने की बात कही गई। इसके अलावा इस विषय से जुड़ी कथित भ्रांतियों को मिटाने और सभी के लिए सुलभ मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के पक्ष में वृहद जागरूकता पर वार्ता की गई। पिरामल फाउंडेशन के प्रोग्राम लीडर राकेश राय ने सभा को संबोधित करते हुए सभी को बताया कि इस वर्ष का जो थीम है, पीरियड अनुकूल, इसके लिए आवश्यक है सामूहिक प्रयास पर जोर देना, ताकि मासिक धर्म से गुजर रहे प्रत्येक किशोरियों, महिलाओं को के पास अपने मासिक धर्म को स्वच्छता के साथ प्रबंध करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उससे संबंधित संसाधन हो। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सासाराम संसदीय क्षेत्र के कैमूर जिला अंतर्गत 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। जिले में बने 2036 मतदान केंद्र, वहीं भवनों की संख्या 1476 तथा दिव्यांग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं पिंक मतदान केंद्र, 4 आदर्श मतदान केंद्र, युवा मतदान केंद्र 1 बनाए गए हैं। कैमूर जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाते पिछले कई चुनाव में कई बूथ को शिफ्टिंग किया जाता था, पर इस बार किसी मतदान केंद्र को किसी मतदान केंद्र में शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि इस मतदान केंद्र पर मतदाता वोट डालेंगे। 30 मई से प्रचार प्रसार थम गया है, तो वहीं 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार प्रसार बंद हो चुका है, जिसके संदर्भ में डीएम ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी हम लोगों ने संसदीय लोकसभा क्षेत्र सासाराम 34 के अंतर्गत प्रेस वार्ता आयोजित की थी, और इसका उद्देश्य यही था कि 1 जून को हमारे यहाँ इस क्षेत्र में मतदान निर्धारित है,
आपके माध्यम से अपील करना चाह रहे थे अपने मताधिकार लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग करें, और साथ ही साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है लास्ट 48 आवर्स का, कि आज से प्रचार की तिथि बंद हो जा रही है, साथ ही साथ लाउड स्पीकर का परमिशन नहीं। आप लोग इधर, हम लोग बाइट ले रहे हैं फिर से जो हम अनुरोध करना चाह रहे थे आपके माध्यम से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें, साथ ही साथ सभी राजनीतिक दल से भी अनुरोध था कि आज से प्रचार की तिथि समाप्त हो गई है, तो आपके जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो जो बाहर से आए स्टार कैंपेनर है, अगर हमारे यहाँ के उनका नहीं है वो व्यक्ति यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र में, तो वो कृपया इस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दें चले जाएँ। साथ ही साथ जो मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का कोई पार्टी ऑफिस नहीं रहेगा, किसी व्यक्ति को मोबाइल कैमरा लेके अंदर ले जाने के अलाव नहीं है, और ये भी बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम सभी सासाराम संसदीय लोकसभा क्षेत्र के मतदाता बंधु से अनुरोध करते हैं कि बड़े से ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, में ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न हो सके इसके लिए काफ़ी बृहद पैमाने पर तैयारियाँ की गई हैं। इसमें सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स के लोग भी मिले हैं, IRBs हैं, काफ़ी बल केंद्रीय फोर्स मिले हैं हम लोगों को, सबके साथ हमने बैठक किया है। बैठक करके बूथ वाइज रूट वाइज काफ़ी डिटेल प्लान हम लोगों ने किया है। इसमें मेन जो चुनौती है वैसे 26 बूथों पे है जो बिल्कुल जंगल के अंदर है, जहां पहले चुनाव नहीं हुआ करता था, इसके लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। इसमें कई कम्युनिकेशन शैडो जोन भी हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से व्यवस्था करा है ताकि सब जगह बातचीत हो सके और कम्युनिकेशन हमारा सेट रहे। सर, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहले से रहा है, किस प्रकार का फोर्स? देखिए, फोर्स का डिटेल तो नहीं शेयर किया जा सकता है, लेकिन जो भी बेस्ट फोर्स हमारे पास है वो सभी को लगाया गया है, सभी अनुभवी बल हैं और सब लोग मिलकर एक शांतिपूर्ण माहौल में अच्छे से चुनाव करवाएंगे। जो भी MCC का वायलेशन करेगा या बूथ के आसपास करे या कहीं भी करे, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आर्म्स का है या डिपॉजिट करने का, इस ज़िले में काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों को डिपॉजिट करवाया गया है, जिनको एग्जेम्प्ट करना था, रिक्वेस्ट किया गया था तो एग्जेम्प्ट भी किया गया उन लोगों को। इसके बावजूद भी यदि कोई हथियार लेकर बूथ के आसपास जाता है, ये वायलेशन माना जाएगा, उसके बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना सिधौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत खानपुर व भटपुरा रसूलपुर के बीच सरकारी बंजर जमीन महाउत की समाधि बनी हुई है। बंजर पड़ी जमीन को JCB मशीन से खनन माफिया मीता, सद्दाम, इमरान, मिट्टू ने खोद खोद कर ताल बना दिया है। कुछ दिन पहले जलालाबाद गांव में पुल के पास भराव में भी मिट्टी डालते समय लापरवाही और तेज रफ्तार से चला रहे ट्रैक्टर से महाऊ महेश अंबेडकर पार्क के पास एक गाय की हत्या हुई थी, जिसका मामला सुर्खियों में चलता रहा। परंतु खनन माफिया इतने शातिर हैं कि कोई भी मामला हो संबंधित से मिलकर दबाने में कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।